मेक योर बेस्ट CSK 11, वो क्या होगा? व्हाट विल बी योर बेस्ट CSK 11 ऑल टाइम? ऑल टाइम मतलब पहले साल से लेके अभी तक? ऑल टाइम अगर मैं अभी एकदम से उसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, लिख के थोड़ा वैसे ना सोचना पड़ेगा मिड ऑर्डर में। जैसे मैं अगर मुंबई इंडियंस और CSK का हम लोग बेस्ट IPL 11 बना सकते हैं, कुछ प्लेयर मुंबई इंडियंस से कुछ CSK से, दैट वुड बी फैंटास्टिक। चलो ठीक है, पांच प्लेयर बता दे MI के और छह प्लेयर CSK के। मैं ठीक है, मैथ्यू हेडन, रोहित शर्मा ओपन, तीन नंबर अगर पाजी और हेडन, नंबर तीन तू, नंबर चार मैं, नंबर मैं चार पे ठीक हूँ। नहीं चार नहीं, तू तीन खेल, मैं चार खेलो। मैं चार पे ही खेलता था MI के लिए, तो चार पे खेलूंगा मैं। भाई तूने इतना रन CSK तीन पे जाके बनाया, तो तीन पे खेलने कोई नहीं। नहीं फिर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, ऊपर लेफ्टी राइटी है, फिर तू लेफ्टी राइट। अगर लेफ्टी आउट हो गया तो लेफ्टी जाएंगे, राइटी आउट हो जाएगा राइटी जाएगा। पांच पे मैं चाहता हूँ कि पॉली और MS के बीच में कोई डिसाइड कर सकते हैं। हाँ तो वो पांच छह MS और पॉली हो गया, चल ठीक है ठीक है। और सेवन नंबर पे मैं चाहता हूँ कि अपने UVPA, उनका वो बॉलिंग का भी एक्सपीरियंस है, अच्छा प्लस उनका बैटिंग भी वैसे ही है वो, तो अगर उनको लगता है कि वहाँ पर वो नंबर पे मुझे लगता है सुटेबल है, जैसे 14-16 के बाद फिर मुझे लगता है हार्दिक, UVPA और बुमराह, और हमारे से मैं चाहता हूँ LV मॉकल। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों ऑलराउंडर, मुझे लगता है ऑलराउंडर बहुत मैटर करते हैं 2020 में, जो यूजफुल हो वो। तो देख भाई मैंने देखो सिर्फ पांच ऑप्शन दिया था MI का, पाजी मैं, हार्दिक, पोलार्ड और बुमराह। बुमराह बज्जूबा वो किधर से खिला रहा है, MI से खिला रहा है बज्जूबा? अभी तो CSK से खेलेंगे बज्जूबा। चलेगा ठीक है, चल पांच हमारे हो गए और अभी छह तुम्हारे बता मुझे। MS तू, MI भाई, मैं, बज्जूबा, बज्जूबा, धोनी भाई, हेडन, धोनी भाई हेडन को गिना मैंने, और चार LV मॉकल, पांच एक प्लेयर बचाया बस, और DJ ब्रावो और जडेजा साथ में। नहीं फिर जडेजा और ब्रावो में तेरे को एक 12 हो जाएगा। नहीं फिर 15 का बनाना पड़ेगा ना, बीच में किसी को इंजरी, इतना डेढ़ महीने का ट्रैवल है ना, 11 चाहिए भाई सिर्फ 11 फिर 11 देख लेते। और पांच प्लेयर कौन कौन है तेरी तरफ से? पाजी बोला ना, पाजी एक्चुअली यार अपने आप को गिनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को नहीं गिनूंगा। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ, हम दोनों एक्चुअली सिलेक्टर बन जाते हैं दोनों टीम के लिए, हम दोनों नहीं खेलते। हाँ चल ठीक है, वैसे करते हेडन और हेडन सचिन। नंबर तीन पे मैं खिलाऊंगा डुप्लेसी को, ठीक है। चार पे आएगा डुप्लेसी, डुप्लेसी ठीक है, डन। हाँ डुप्लेसी को खिलाऊंगा तीन पे, चार पे खिलाऊंगा राइडू। राइडू को भी हम डाल सकते हैं टीम में, वही मैं बोलने वाला था, वो CSK से। देखो मेरे, मैं खाता हूँ कि तीन नंबर राइडू खेले, चार नंबर डुप्लेसिस खेल सकता है, क्योंकि राइडू नया बॉल का बड़ा तगड़ा प्लेयर है अभी, जो बीच में रिसेंट उसका फॉर्म खेलेगा। ठीक है चार हो गए, हम दोनों सिलेक्टर नहीं बन सकते। पांच पे आएगा MS और पोलार्ड, पांच छह, सात हार्दिक पांड्या, सात हार्दिक पांड्या हो गया, हार्दिक बच्चुपा हो गए, नौ पे हाँ साले ब्रावो कहाँ गया, ब्रावो तो चाहिए भाई यार, ब्रावो पोलार्ड, ब्रावो तो गेम ब्रेकिंग है, हार्दिक और ब्रावो ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं छोड़ो, इतना प्लेयर ले लो बस हो गया, सात आठ प्लेयर। नहीं पांच प्लेयर मैंने बताया ना, मेरे पांच बॉम्बे के प्लेयर ये होंगे, पाजी, हार्दिक, पोलार्ड, बुमराह और राइडू, ये पांच हो गए। राइडू तो राइडू तो CSK से खेलेगा ना, अबे किधर से भी खेलने दे राइडू, यहाँ होने दे या वहाँ, दोनों एक ही बात है। हाँ वहाँ CSK से हो गया हेडन, डुप्लेसी, MI भाई, हेडन, डुप्लेसी, MS, ब्रावो, ब्रावो
जड्डू और भज्जूपा हो गया ना, छह जड्डू और भज्जूपा मैं सोच रहा था, बट ऑलराउंडर हमारे पास हो गए, ब्रेवो हो गया है, पोलार्ड हो गया है, तो अच्छा टीम है एक्चुअली। और हम दोनों हार्दिक भी है, तो अभी वो धोनी भाई को हैंडल करने दे, वो कैप्टन होंगे ना टीम के। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट में बैठ के उनको मोटिवेट करेंगे, खेलेंगे, उनको वाटर देंगे। मैं अंपायर बन सकते हैं दोनों? नहीं, मैं बन जाता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं असिस्टेंट कोच बनता हूँ, तू फील्डिंग कोच बन जाए, और फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच, और जो लोग रह गए हैं उनको जैसे डीजे हमारे पास भी रहने से वैसा उनको रोल दे देंगे, दो चार जो लोग बचेंगे ना वैसा कर सकते हैं। नो वरीज, बट तगड़ा टीम बनेगा वो।